हेलो दोस्तों, जय शारदे माता की, जय सरस्वती माता की। ये फाइनल रिजल्ट है पोस्ट क्राफ्ट स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश। क्या हुआ? ये दोनों के लिए थी, हिंदी और इंग्लिश, जो आईटीआई में टीचर होते हैं। तो आईटीआई में टीचरों की कमी है, हिंदी और इंग्लिश जो टीचर होते हैं उनकी कमी है। तो आप अपने लड़का या लड़की किसी को भी स्टेनो का कोर्स करवा कर और उसकी आगे सीटीआई करवाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी है जो वेकांट रह गई है, खाली रह गई है, कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं हुआ। वैसे भी अगर आप स्टेनो टीचर नहीं बनना चाहते, वैसे भी आप 10वीं के बाद टाइपिंग करके अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी स्टेनो में निकलती है। तो आप अपनी लड़की या गुड़िया किसी को भी स्टेनो के लिए बोलें उसको कि स्टेनो सीखें, 1.5-2 साल में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये टीचर के लिए वैकेंसी थी, आईटीआई में जो टीचर लगते हैं इंग्लिश स्टेनो सिखाते हैं और हिंदी सिखाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट था इसका 12/2019, कैटेगरी नंबर थी, ये 4 कैटेगरी थी, 48, 49, 51, 52। कैटेगरी नंबर ये 52 का है। इसमें स्टेनोग्राफर जो इंग्लिश की थी, प्रैक्टिकल के थे ये, जिन्होंने प्रैक्टिकल करवानी है। तो ये टोटल पोस्ट थी वैसे 21, लेकिन इसमें जो जनरल की पोस्ट थी वो 12। देखो, जनरल की पोस्ट थी 12, लेकिन जो कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं, ओनली 2 कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं, बाकी सीट वेकांट रह गई है। क्योंकि जो स्टेनो इंग्लिश या हिंदी होती है ना, वो राजस्थान में एक ही इंस्टीट्यूट है, एक ही NSTI है, जहाँ पर स्टेनो हिंदी और इंग्लिश सिखाई जाती है। अभी और जगह ये बनी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर राजस्थान में जाकर दूर से स्टेनो करना, कोई सोचते हैं कि बहुत ही दूर है ये, लेकिन आपको करनी चाहिए वहाँ जाके, क्योंकि इसमें आप ये देख लो आपके सामने कितनी सीट खाली रह गई, ओनली 2 कैंडिडेट का ही पास हुआ है। और ये नोट में जो सीट वेकांट रह गई है, ये उनकी डिटेल है, जो सीट खाली रह गई है। ये कैटेगरी नंबर 48 है, इसकी जनरल की 12 पोस्ट, SC की 4, BC की 3, BCB की 2, EWS की 3, ESM जनरल की 2, ESM SC की 1, ESM BCA की 1, ESM BCB की 1, ESP SC की 1। और ये 48 कैटेगरी की थी, और आगे ये 49 कैटेगरी की दिखा रखी है। इसकी जनरल की 2 पोस्ट रह गई खाली, SC की 2, BCA की 1, BCB की 2, EWS की 1, ESM जनरल की 3। और ऐसी कैटेगरी नंबर 51 आ गई, इसमें जनरल की 12 पोस्ट खाली रह गई, SC की 4, BCA की 3, BCB की 2, EWS की 3, ESM जनरल की 2, और बाकी एक एक। और कैटेगरी नंबर 52, इसमें जनरल की 4 पोस्ट, SC की 4 पोस्ट, BCA की 4 पोस्ट, BCB की 2, EWS की 1। ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है पूरी, ये वेकांट सीट रह गई, वेकांट सीट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट, यानी इनके लिए कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो पेपर पास कर सके।